राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। ये होली आपके जीवन में सारे रंग लेकर आए। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपके विवाह की बात चलने लगे, आपका विवाह तय हो जाए, आपके जीवन में रंगों की बरसात होने लगे, साथ में आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो, आपका व्यवसाय चले, निरंतर आपके जीवन में धन वृद्धि होती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ। इस होली पर आपके सभी संकट मिट जाएं और आपके जीवन में बहार आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपको विवाह का एक अचूक प्रयोग देने वाली हूँ, जिसे लड़का हो लड़की को ही करना है। अगर आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएं, तो इस उपाय को आप केवल और केवल आपको होली वाले दिन ही करना है। तो ये विशेष प्रयोग है, इसे जाने बिल्कुल भी चूके ना। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हो सके आप इसको फॉरवर्ड कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इस उपाय को करके अपनी समस्या को हल कर सकें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको जो आपको डेली अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप उनको भी करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में नौ ग्रहों का सपोर्ट आपको दिलाते हैं। साथ में ही आपके चंद्रमा को बलि करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके नौ ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने लगता है, आपका चंद्रमा बलि होने लगता है, तो आपको आपके जन्मांक का जो नव ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, तो आपके भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं, आपकी हर इच्छित मनोकामना पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब जल्दी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, टॉपिक पे आती हूँ। दोस्तों, विवाह, कभी हमारी पढ़ाई की वजह से हमारा विवाह रुक जाता है, कि आप पढ़ रहे हैं इस वजह से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, या आप अपना चाहते हैं कि आपका करियर सेट हो जाए इसलिए आप लेट हो गए, या आपके रिश्ते ही नहीं आ रहे इस वजह से भी आपका रिश्ता लेट हो जाता है, आप परेशान हैं कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते आ भी रहे हैं तो बात नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं किसी बात पर वो बात अटक जाती है। दोस्तों, इस होली के दिन यानी पूर्णिमा तिथि वाले दिन आपको सुबह या शाम, आप ये किसी समय भी कर सकते हैं, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनिए, पीले कलर के, दोनों ही चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, पीले कलर के कपड़े अवश्य पहन लीजिए। अपने साथ में एक गुलाब की माला लीजिए, 100 ग्राम मिश्री, दाना मिश्री जो होती है उसको एक वाइट कलर के, बिल्कुल प्लेन वाइट कलर के रूमाल में बांध लीजिए। एक गुलाब के इत्र की शीशी ले लीजिए। ये तीनों वस्तुएं लेकर आप अपने आपके शहर में, आपके आसपास कोई भी राधा कृष्ण का मंदिर हो वहाँ चले जाइए। इस प्रयोग को आप घर पे नहीं कर सकते हैं तो आपको मंदिर में ही जाना होगा। किसी भी मंदिर में चले जाइए, चाहे तो सुबह चले जाइए चाहे शाम को चले जाइए। अब वहाँ पहुँचकर आप राधा कृष्ण के मंदिर पे, राधा कृष्ण दोनों को आपको एक साथ ही ये हार पहनाना है, एक ही उस पर आपको एक ही माला में दोनों को माला पहनानी है। आपको इस तरह से आपको ये माला पहनानी है, ये माला पहना दीजिए आप। ये मिश्री का जो आप भोग ले गए हैं वो आप उनके श्री चरणों में रख दीजिए, साथ में इत्र की शीशी भी वहीं पर रख दीजिए। अब वहाँ बैठकर आप अपने पहले अपना नाम बोलिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, साथ में अपनी मनोकामना बोलिए कि आप किस मनोकामना के लिए आप राधा कृष्ण के सामने आए हैं। दोस्तों, भूल गई मैं आपको बताना, आपको पीले रंग का गुलाल, गुलाबी रंग का गुलाल, नीले रंग का गुलाल और हरे रंग का गुलाल, ये आपको चार गुलाल और साथ में लेके जाने हैं। ये चार गुलाल भी लेके जाने हैं आपको। ये चारों गुलाल आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, पैकेट, चाहे आप कागज़ में ले जाइए चाहे पैकेट में ले जाइए, चारों गुलाल वहाँ पर अर्पित कर दीजिए और इनका एक एक टीका राधा कृष्ण की, चाहे वो फोटो हो चाहे मूर्ति हो, उस पर अर्पित कर दीजिए। मान लीजिए मूर्ति अंदर है और आपके पुजारी मना कर रहे हैं इसको लगाने की, तो आप उनसे कह दीजिए कि वो आपकी तरफ से उनको लगा दें और फिर बाद में वो पैकेट आप ले आइए। आपने ये अर्पित कर दिया, वहीं बैठकर आप, आपको जो भी मंत्र आपको हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इसका आप 108 बार जाप कर लीजिए। राधे कृष्ण का भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसा कोई विशेष कठिन उपाय नहीं बता रही हूँ जिससे कि आप वहाँ बैठ के कर ना पाएँ, आप सोचते रह जाएँ कि मैं इसे करूँ या ना करूँ, इसलिए मैं आपको इतना सरल विधि बता रही हूँ। राधे कृष्ण जितनी देर आप जप सकते हैं उतनी देर बैठिए, अपनी मनोकामना एक बार फिर बोलिए, लेटकर दंडवत कीजिए, लेटकर ईश्वर को दंडवत कीजिए। अगर वहाँ परिक्रमा की व्यवस्था है तो वहाँ पर सात परिक्रमा भी कर लीजिए
और उसके बाद फिर एक बार अपनी मनोकामना बोलिए ईश्वर से और उनको धन्यवाद दीजिए कि अब तो मेरी शादी हो ही जाएगी। इस प्रयोग को आप कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जब कोई भी विशेष प्रयोग कर रहे हो तो कभी भी किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम चर्चा कर देते हैं तो वो टोक लग जाती है, फिर वो काम होता ही नहीं है। तो आप कोई भी अगर उपाय कर रहे हैं, वो किसी से भी संबंधित उपाय हो, कभी भी किसी से आप चर्चा कर देते हैं तो वो आप मान लीजिए कि वो आप काम उसमें विघ्न बाधा आती ही आती हैं। तो इस उपाय के बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। और वहाँ से आपको मिश्री नहीं लानी है, केवल इत्र की शीशी आपको मांग कर लानी है। आप इत्र की शीशी मांग लाइए और उसमें से थोड़ा सा गुलाल मांग लाइए, पूरा मत लाइए, थोड़ा सा वाइन छोड़ाइए और थोड़ा सा गुलाल ले आइए। अब होली की पड़वा वाले दिन आप उस गुलाल से अपने दोस्तों के साथ अपने साथ होली खेलिए, अपने भी लगाइए टीका, दोस्तों इत्यादि के भी लगाइए टीका, और जो आप इत्र लाए हैं उसको डेली एक फाई में लगाकर अपने पास रखना शुरू कर दीजिए ऊपर वाली पॉकेट में। बस मात्र एक छोटा सा ही प्रयोग है, और शीशी जरा बड़ी लीजिएगा इत्र की, जिससे कम से कम आप 43 दिन उसको यूज़ कर सकें। आप देखेंगे इस एक छोटे से प्रयोग से आपकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होके आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे, आपकी बात चलने लगेगी, आपका विवाह आपकी इच्छा अनुसार तय भी हो जाएगा। लेकिन प्रयास उसके लिए आप ही को करना होगा, क्योंकि घर बैठे किसी के लिए कोई रिश्ते नहीं आते हैं, तो उसके लिए प्रयास भी आपको जारी करना होगा। आप प्रयासरत रहिए, आपका वो प्रयास आपका सफल होगा। दोस्तों आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें मेरे हर वीडियोस पे आप लाइक अवश्य दीजिए, साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय आप ज़रूर लिखिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर, जिससे अधिक से अधिक लोग इस प्रयोग का फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ दोस्तों अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर अगर आपके जीवन में बाहर ला रहा है तो किसी और के जीवन में बाहर लाएगा तो वो भी आपको दुआएं देगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भी विवाह अति शीघ्र हो, उसकी दुआएं भी आपको ज़रूर मिलेंगी, तो ऐसा अवश्य कीजिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।